2022 में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले सभी छात्र और छात्राओं को मिली है बड़ी राहत। जी हां, बिहार बोर्ड से जो भी छात्र और छात्राएं इंटर मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को दी गई है बहुत बड़ी राहत। यहाँ पर एक राहत नहीं है, दो दो राहत है, और यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो पूरी खबर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपको बता दें कि जैसे पिछले साल छात्रों की तैयारी नहीं हुई थी इंटर मैट्रिक वालों की, लेकिन उनके एग्ज़ाम करा दिए गए थे, और इस बार भी वही है कि आपका जो है देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सभी यहां पे बंद पड़े हैं होली के बाद से। ऐसे में इंटर मैट्रिक परीक्षार्थी फिर से परेशान हैं, क्या उनके साथ 2021 वाला कांड ही दोहराया जाएगा, परीक्षा हो जाएगी समय पे और बिना तैयारी के बोलो एग्ज़ाम देंगे तो कैसे देंगे। यहां पे तो बहुत बड़ी राहत मिल रही है आप लोगों को। सबसे पहली बड़ी राहत यहां पे आपको बता दूँ, आपके लिए बिहार बोर्ड ई स्कूल शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, अब आप जो है किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी खबर ध्यान से देखेंगे, दो दो खुशखबरी है, आधा अधूरा खबर नहीं देखेंगे। किसी भी कोचिंग संस्थान में अब आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद सभी छात्रों को कोचिंग देगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, बिहार बोर्ड देने जा रही है सभी छात्रों को कोचिंग की सुविधा, और वो भी अपने साइट के, अपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू सभी को ऑनलाइन क्लास करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली खुशखबरी है कि बिल्कुल कोचिंग फ्री में करवाई रही है बिहार बोर्ड, जो कि सभी छात्र सोच रहे थे घर बैठे कैसे तैयारी करेंगे, 2021 वाले छात्रों के साथ जो होगा मेरे साथ भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंटर और मैट्रिक वालों के लिए कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन सभी को सारे बुक ऑनलाइन ही दे दिए जाएंगे, और उसमें पेज पलटने की भी सुविधा होगी, यानी आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं होगा, वो आपका वेबसाइट होगा जहां पे आप फिंगर से ही पेज पलट देंगे, यानी बहुत ज़्यादा सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप इंटर मैट्रिक के छात्र हैं तो दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है, दूसरी खुशखबरी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जो भी छात्र इस बार इंटर या मैट्रिक परीक्षा में भाग लेंगे उनके सिलेबस में भी यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या इस बार बढ़ाई जा रही है। आपको पता होगा पिछले साल 2021 यानी कि 2021 में इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव का प्रावधान था। 100 नंबर वाले में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में बनाना था और 50 नंबर सब्जेक्टिव में बनाना था, वहीं 70 नंबर वाले में 35 का आंसर जो है वो ऑब्जेक्टिव में देना था और 35 का आंसर जो है वो सब्जेक्टिव में देना था। लेकिन इस बार उसमें भी बदलाव किया जा रहा है, यानी सिलेबस को और आसान बनाया जा रहा है, जिससे छात्र और छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि यहां पे बिहार बोर्ड खुद छात्रों को ऑनलाइन पूरा कोर्स ख़त्म करवाएगा, क्योंकि छात्रों को शिकायत रहती है कि हम कहां से पढ़े जहां कोर्स पूरा करवाया जाए। तो इसके लिए बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन अपनी कोचिंग संस्थान शुरू कर दी है बिल्कुल फ्री में, अब एक एक गरीब बच्चा जो है बिल्कुल फ्री में क्लास करेगा, साथ ही साथ पूरी कोर्स करवाई जाएगी। और इसके तहत सबसे बड़ी सुविधा ये भी दी गई कि आपको जो है यहाँ पे सिलेबस जो है ऑब्जेक्टिव को 80% किया जा रहा है। ठीक है, 70-80% ऑब्जेक्टिव दो यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, या तो इंटर वालों के 70% किए जाएँ या तो मैट्रिक वाले के ऑब्जेक्टिव 80% किया जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ने वाली है। तो जो भी छात्र और छात्राएँ देख रहे हैं, जितना हो सके आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल करें, अभी से तैयारी में लग जाएँ। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत जल्द शुरू होने जा रही है इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए, तभी सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है,
आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, इंटर मैट्रिक वाले दोनों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि जो है इंटर का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और मैट्रिक का अलग व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है 2022 के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो सेट दिया जाए आप सबों को अभी से ही दिया जाएगा और उसका कलेक्शन करेंगे और आप लोग उससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। यानी अब तैयारी जो निर्भर कर रही है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर निर्भर कर रही है। जो छात्र जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद करेगा उतने ही मार्क्स उनके ज़्यादा आएंगे। पहले क्या होता था, सब्जेक्टिव ज़्यादा याद करना पड़ता था, लेकिन अब जो सिलेबस जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे दिन पर दिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इस बार इंटर में 70 ऑब्जेक्टिव और मैट्रिक में 80 ऑब्जेक्टिव। तो सोच सकते हैं कि 20 नंबर सब्जेक्टिव 30 नंबर सब्जेक्टिव जो है ये अगर कोई छात्र नहीं भी बनाता है तो पर सब्जेक्ट उसे 60 से 70 नंबर आ जाते हैं, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर 50 नंबर भी पर सब्जेक्ट ले आता है, 60 नंबर भी ले आता है तो उसका फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट हैं तो सभी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, सब्जेक्टिव बनाएंगे, लेकिन जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही याद कर लेता है तो भी उसके 100% 60% आएगा और 100% वो फर्स्ट डिवीजन ले आएगा। बस जो है अमल करने का, तो अभी से भी समय है, अभी से सिर्फ जो भी लोग मार्केट में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव लाइव जुड़ जाना करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना कि जैसे ही रिजल्ट आता है लाइव चेक करने से क्या होगा, क्या आपको फायदा होगा और जो लोग वहां पे कमेंट करेंगे आपको मेरे चैनल के थ्रू बिहार बोर्ड का रिजल्ट मैं खुद चेक करके बताऊंगा, एक एक का लाइव प्रसारण दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और जैसे ही रिजल्ट जारी होता है किसी भी छात्र को कोई तरह की परेशानी ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। चैनल को सबसे पहले पूरी वीडियो जरूर देखने चाहिए, आवेदन दे दिया गया है, जैसे ही वहां पे क्लास शुरू होगी तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जरूर देखें, सीधा सीधा इसका फायदा मिलने जा रहा है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है 10 बिहार बोर्ड जो क्लास कराए की उसी से मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाता हूं लेकिन सटीक जानकारी देता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है तो वॉच दिस वीडियो, कुछ भी नहीं खरीदना है, कोई कुछ नहीं खरीदेगा क्योंकि अब उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो तैयारी अगर कर रहे हो तो साइड रख दो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है जो चैनल के थ्रू दिया जाएगा मेरे चैनल पे जल्द ही आने वाला है उसी ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक से भी रट्टा लगा सकते हैं, अभी टाइम है तो वहाँ से भी लगाना शुरू कर दे। तो 2022 वाले जो भी इंटर और मैट्रिक के सीरियस स्टूडेंट हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं और इस पर अमल करते हैं तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बदल दी गई है, ऑनलाइन क्लासेज बिहार बोर्ड खुद कोचिंग देने जा रहा है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, बिहार बोर्ड अपने छात्रों के लिए इससे बेहतर क्या कर सकता है। अब जहां आपको कोचिंग धन जाकर आपको पैसे देने पड़ते थे इंटर के लिए एक सब्जेक्ट के लिए, गांव में भी अगर कोई छात्र पढ़ता होगा तो एक सब्जेक्ट के लिए 2000 रुपये लग जाते होंगे, ठीक है। तो क्लास करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे ही क्लास शुरू होगी इस चैनल पर दे दी जाएगी, ठीक है।